जो सुनते थे ना बड़ों से कि जवानी दे आज तो जवानी दे आज जवानी ना कर लो जितना लेट करेंगे उतना मुश्किल हो मुश्किल होगा ठीक है मुश्किल आती हैं आसान चीज़ नहीं है लेकिन है मुश्किल वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो जो इन्वायरमेंट बन होता हाजी का मेरा भी पहला था अम्मा जी का भी पहला था तो मैंने तो बड़ा इन्जॉय किया मेरे लिए तो ठीक था क्योंकि इतनी हीट और वो आ, हम उसमें खेलते रहे और उसमें मुझे मसलन। लेकिन मेरे ख्याल से जी ने जितनी हिम्मत दिखाई है वो तो मैं देख के हैरान हो गया खबर ख़़। शामिल करते हैं लाहौर से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि अगर मुमकिन हो तो हज जवानी में ही कर लेना चाहिए क्योंकि बाद में ये फरीजा सरंजाम देना मुश्किल होता जाता है हज अदायगी के बाद सऊदी अरब से वतन वापसी पर घर जाते हुए बाबर आजम ने वायरल वीडियो में गुफ्तू करते हुए कहा कि आप अपनी नियत सौ फीसद रखें तो रब का बुलावा आ ही जाता बाबर आजम का कहना था कि जवानी में ही हज कर लें जितनी देर करते जाएंगे ये फरीजा सर अंजाम देना इतना मुश्किल होता जाएगा ये मेरा पहला हज था जिसका मुझे बहुत मजा आया मेरा तजुर्बा भी बहुत अच्छा रहा हज के दौरान काफी चीजें सीखने को मिले हज सिर्फ अपने लिए नहीं करना हज अल्लाह के लिए और इसे राजी करने के लिए होता है बाबर आजम ने हज पर मौजूद बुजुर्गों की हिम्मत की तारीफ करते हुए कहा कि उनका मकसद सिर्फ अल्लाह को राजी करना है इन लोगों को देखकर मुझे भी हौसला मिला उन्होंने कहा कि मेरे लिए तो ठीक था क्योंकि हम इतनी गर्मी में खेलते रहते हैं लेकिन मेरी वालिदा के लिए यह बहुत मुश्किल था